भारत बहुत सारी खूबियों का देश है, और वो भी अलग अलग तरह की खूबियां। जैसे कहीं हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं मीलों लंबे मैदान, कहीं अंतहीन रेगिस्तान है, तो कहीं अथाह समुंदर। ऐसी ही अलग अलग खूबियों में बसे शहरों और कस्बों में से एक कस्बा है पुष्कर। हिंदू धर्म में पुष्कर का बहुत महत्व है। इसी वजह से यहाँ पूरे साल मेले जैसा माहौल बना रहता है। जितने लोग यहाँ रहने वाले नहीं हैं, उससे कई गुना आपको हर वक्त टूरिस्ट दिख जाएंगे, और वो भी पूरी दुनिया से आए हुए। पुष्कर से नागौर जाने वाली सड़क पर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर अरावली की तलहट्टी में है कैंप लेंस एंड। मैडम आप शावर लेने जाए, गर्म पानी की आपको जरूरत हो, ये हॉट वाटर स्विच है, इसको ऑन करिए बिफोर 15 मिनट्स। गुड आफ्टरनून मिस्टर राघु। मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे कुछ यूनिक नाम दिखा, जो कि ये था आपके रिजॉर्ट का नाम कैंप लैंड्स एंड। तो आप मुझे कुछ बताएंगे इसके बारे में कि इतना डिफरेंट नाम कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, बिल्कुल आपने जैसे देखा इसका नाम थोड़ा अलग है, और पुष्कर में इस नाम की कोई होटल भी नहीं है अभी। तो जनरली हम जब यहाँ पे आए तो ये जो हिल है पीछे, अरावली हिल इसको बोलते हैं, तो ये जो लैंड है ये आखिरी लैंड है यहाँ पे, तो हमने इसीलिए इसका नाम कैंप लैंड्स एंड रखा। क्या मतलब, क्या यूनिक है बाकी प्रॉपर्टीज जो पुष्कर में और भी हैं? तो बेसिकली काफ़ी सारी USPs है, लाइक हमने एक इको फ्रेंडली होटल करने का ट्राई करा है, और आप जैसे जिस कॉटेज में आप हैं उसकी रूफ, और यहाँ की भी ये रूफ आप देखो तो इट्स अ थैच रूफ, तो ये एक नेचुरल ग्रास है जो यहाँ उगती है। तो बहुत सारे गांवों में पहले क्या करते थे, कॉन्क्रीट रूफ नहीं लगाते थे, तो ये ग्रास लगाते थे, और इट्स अ इंसुलेशन, तो गर्मियों में रूम को ठंडा रखता है और सर्दियों में रूम को ये गर्म रखता है। तो हमने वही, इट्स ऑल्सो अ डाइंग आर्ट, तो ये जो आर्ट है अब बिल्कुल ख़त्म हो रही है, क्योंकि लोग कॉन्क्रीट की ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लंबा चलता है, इसको आपको 7-8 साल में चेंज करना पड़ता है जी। तो इस वजह से एक तो लोकल्स को काम भी देना था, और वो आर्ट को पोर्ट्रे भी करना था, तो थोड़ा सा अलग फील आता है। सो व्हेन यू एंटर द कॉटेज आल्सो एक आपको एक स्मेल आती है हे की, तो वो एक अलग ही स्मेल आती है, वो आपको बाकी होटल रूम्स में नहीं आएगी, वो नेचुरल थे। एक तो ये USP है जो सबको बहुत अच्छी लगती है,
और फिर हमने यहाँ का पूल बहुत अच्छा लगता है लोगों को, इट्स अ इन्फिनिटी पूल, और व्यू जो है इट्स अ हिल व्यू, तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है. जैसे आप रूम में सुबह उठते हैं और पर्दे हटाते हैं तो आपको सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी और विल्डनेस दिखता है. पुष्कर जो है जयपुर से सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर है, और आप जब ये होटल बुक करते हैं एक आपको एक पर्सनलाइज चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 कॉटेजेस हैं और एक एक जो दूरी है कॉटेज की वो भी अलग अलग है, बहुत चिपक के नहीं है. तो उससे आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडमनेस महसूस होता है, और फिर यहाँ का खाना, बिल्कुल प्राइवेसी मिलती है, आप घूम सकते हो खुले में. हम लोग खुद ही पर्सनली ध्यान देते हैं हर चीज पे, जो वो चाहे वो खाना हो, मतलब आप घर का खाने का टेस्ट कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. सो जो मेरे भाभी साहब हैं वो किचन का ख्याल रखते हैं, सो खाना उनके सुपरविजन में बनता है, वही टेक केयर करते हैं सब कुछ. तो पर्सनली हम चीजें मॉनिटर करते हैं यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई पीपल एंजॉय एंड पीपल लव इट, एंड वी ऑल्सो टेल देम अबाउट द कंसेप्ट. प्लस जो नेक्स्ट फार्म है वो भी हमारा ही है, और वहाँ पे हम लोग बेसिकली फ्रेश वेजीज उगाते हैं. अच्छा. तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो वहाँ पे होती है, तो जो भी आप लोग लेते हो लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी वेजीज आते हैं वो यहीं से आते हैं, तो हम बाहर से कुछ नहीं मंगाते, और जो भी चीज़ें हैं वो सब लोकल लोगों ने ही मिल के बनाई हैं यहाँ पे. वेदर इट्स विंडोज, जो लोहे की चीज़ें हैं, जो कुर्सी है, टेबल है, वो सब यहाँ पे जो लोकल्स है आसपास पुष्कर के आसपास, तो उन्हीं से हमने बनवाई है. सो उन्हीं को हमने डिज़ाइन दी थी और उन्हीं से बनवाई है. थोड़ा डिफिकल्ट रहा लेकिन अब चीज़ें उभर के अच्छी आई है. कैंप लैंड जैन पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स दूर है, और फिर अजमेर है, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो अजमेर है, और फिर जयपुर है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे की दूरी में आप जा सकते हो. यहाँ पे काफ़ी रिलीजियस लोग भी आते हैं और दोनों चीज़ें हो जाती है. तो जो पुष्कर है वो यहाँ से 7 किलोमीटर्स दूर है, और एक पुष्कर का रेडियस है जो म्यूनसिपैलिटी रेडियस है उसमें जैसे एग्स, अल्कोहल, मीट ये सब अलाउड नहीं है, तो उस रेडियस से कैंप बाहर है, तो यहाँ पे ये सब अवेलेबल है, और पास में भी है. तो आपको अगर पुष्कर घूमना हो तो इट्स जस्ट 15 मिनट्स अवे, आप जाके ब्रह्मा मंदिर दर्शन कर सकते हैं, पुष्कर लेक देख सकते हैं, और फिर शाम को वापस कैंप पे आके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. शाम के वक्त इस खूबसूरत इन्फिनिटी पूल में 10 मिनट रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी महीनों की थकान कहां गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूल ऐसी हसीन कुदरती वादियों में बना है. इसमें रिलैक्स होते हुए ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया में हम हैं और बस ये पूल, बाकी सब कहीं पीछे रह गए हैं. यहाँ गेस्ट के एंटरटेनमेंट का भी पूरा बंदोबस्त है. दिन में तो आप आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग और कैमल या कार सफारी का मजा ले सकते हैं, और रात में राजस्थानी कल्चर की महफिल सजती है. इन कलाकारों की परफॉर्मेंस देखकर वाकई दिलो दिमाग अलग ही रोमांच से भर जाते हैं. मेहमान नवाजी कैंप लैंड्स एंड की सबसे बेहतरीन खूबी है. गेस्ट को होटल या रिजॉर्ट की बजाय ऐसा फील होता है जैसे वो अपने आलीशान फार्म हाउस पर आया है. फूड हो या सर्विस, आपको बिल्कुल अपनेपन का एहसास करवाती है.
एक और खास इंतजाम है कैंप लैंसेंट में। अगले दिन आपकी सुबह की चाय आपको पहाड़ पर जंगल में चहचहाती चिड़ियों के साथ करवाई जाती है। ये इंतजाम वाकई काबिले तारीफ है। कैंप लैंस एंड में आकर आपको लगेगा कि इन खूबसूरत कॉटेजेस में से ही कोई एक कॉटेज जिंदगी भर के लिए हायर करके बस यही रह जाए।